चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम गुरगोजी शरीफ की जनाजा गाह के अंदर खड़े हैं। इस अपना अगस्त वाले बारिशों के अंदर ये भी गिर गई है। अगस्त 2022 की जो शदीद बारिशें और सैलाब आया उसके अंदर ये गुरगोजी शरीफ की जनाजा गाह भी आप देखें गिर गई है। गार्डर अंदर टैले पड़ी हुए हैं, ये टीआर हैं, वो दरवाजे आप देख रहे हैं। तो ये गुरगोजी शरीफ जो हज़रत ख्वाजा सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह का वतन है, जिस कब्रिस्तान में हज़रत की वालदा दफन है, जहाँ हज़रत के वालिद दफन है, हज़रत का भाई दफन है, हज़रत के बेटे अब्दुल्ला दफन है, उनका जो है ना देखो ये जनाजा गाह गिर गई है। हम इसके लिए मुखय्यर हज़रात से अपील करेंगे कि आप जो है ना गुरगोजी शरीफ की जनाजा गाह को बनवा दें, क्योंकि पहाड़ का इलाका है, दूर दूर से जब वो जनाजा पढ़ने आते हैं, मैयत रखते हैं, धूप का भी मसला होता है, सर्दी का, बारिश का। अगर कोई मुखय्यर हज़रात देख रहा हो गुरगोजी शरीफ तहसील दुर्ग ज़िला मूसा खेल, ये जनाजा गाह जो है ना इन बारिशों के अंदर, सैलाब के अंदर, सैलाबी जो 2022 की जो शदीद बारिशें हुई हैं कोह सुलेमान में, उनमें ये भी इसकी छत भी गिर गई, दीवारें भी गिर गई। आप गार्डर देख रहे हैं, टीयर देख रहे हैं, सारा सामान अंदर टेलें पड़ी हुई हैं, वो टूट गई, दरवाजे पड़े हुए हैं। जितना जल्दी हो सके इस जनाजा गाह को आप मुरम्मत करा दें। अगर कोई भाई देख रहा है तो ये बहुत बड़ा आपके लिए सदका जारिया होगा, और ये हजरात का बा बरकत कब्रिस्तान है तो और भी आपको ज़्यादा सवाब होगा। बहुत दूर का इलाका है। इस पर मैं मियाँ अबू बकर साहब, मियाँ मकसूद साहब, भाई गुलाम सुल साहब, हाजी सईद साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें यहाँ तक ले आया है। वस्सलाम।